हफ्तों से कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली केरन सेक्टर के माध्यम से घने जंगल और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, BSF और JKP द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि LC फेंस से काफ़ी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार है और सतर्क है। सरदी से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज और पुलिस ने मिलकर 3 मिलिटेंट मार गिराने का दावा किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा तौर पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के केरन सेक्टर में हुई है और जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जो भारी मकदार में जो सामान पकड़ा गया AK-47 3 इसके साथ साथ मैगजीन्स, इसके साथ साथ जो पिस्टल्स, इसके साथ साथ जो ग्रेनेड्स और भारी मकदार में जो गोलियां हैं वो भी जब्त की गई। साथ ही साथ जो मिलिटेंट वहाँ से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे उनके कब्ज़े से जो है ड्राई फ्रूट्स या बाकी जो सामान है, चाहे पाकिस्तानी सिगरेट लाइटर्स और फायरर घड़ी, इसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में जो सामान यहाँ पर जो है आज उनके कब्ज़े से बरामद किया गया। तो जाहिर सी बात है कि आज अमरनाथ यात्रा है जम्मू कश्मीर में स्मूथली चल रही है, उसमें रखना डालने की कोशिश के लिए यहाँ पर जो है दरअंदाजी की जा रही थी। तो उसी के चलते आज यहाँ पर अगर केरन सेक्टर की बात करेंगे, आर्मी ने यहाँ पर केरन सेक्टर में जो है बार बार, क्योंकि एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जब भी कोई हरकत इनको मिलती है कि यहाँ पर कोई हरकत हो रही है मिलिटेंट्स की तरफ से, दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एम्बुश बाकायदा तौर पर लगाया जाता। तो इसी के पेशरफ्त यहाँ पर जो है आर्मी और पुलिस ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई में जो है अभी तक 3 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए, जिनके कब्जे से ये भारी मकदार में जो हथियार जो है ये जब्त किया है। तो कुल मिला के अगर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, चाहे करना सेक्टर की बात करेंगे, केरन सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पर हमेशा फौज और सिक्योरिटी फोर्स की एजेंसी चौकन्ना रहती है और बार बार ये कोशिश करते हैं अगर कोई भी दरअंदाजी की कोशिश कभी भी यहाँ पर की जाती है तो बाकायदा तौर पर उनको जवाब यहाँ पर मिलता है। तो कल जो तसादुम यहाँ पर बॉर्डर इलाके में हुआ है जिसमें
दोनों तरफ से जो है गोलियां चली, बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में यहां पर जो है एक किस्म का जंग शुरू हुआ। उसके बाद जो है यहां पर 3 मिलिटेंट जो हैं फौज ने मार गिराने का दावा किया है, जिनके कब्जे से ये सारा हथियार जो है जब्त किया है। कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जस्ट वन टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।